फ्रेंड्स सो बिफोर स्टार्टिंग with योर एक्सरसाइज गिवन इन योर मॉड्यूल we'll सी वन पेंडिंग टॉपिक दैट इज ऑप्शनल method फॉर बैंक्स हमने फ्रेंड्स पढ़ा था apportionment of ऑफ क्रेडिट उसमें हमने देखा था कि फर्स्ट वी नीड टू फाइंड कॉमन क्रेडिट और उसके बाद जितनी क्रेडिट एग्जाम supplies को attributable हो और नॉन बिजनेस purpose को attributable हो वो अलग करके बाकी की क्रेडिट को हम क्या मान लेते थे एलिजिबल क्रेडिट्स अगर बैंक्स को ये सब ना करना हो एग्जाम सप्लाई आइडेंटिफाई करना है ना टैक्सेबल सप्लाई आइडेंटिफाई करना है ना फिर उन दोनों के प्रोपोर्शन में कॉमन क्रेडिट को बांटना सबसे पहले कॉमन क्रेडिट आइडेंटिफाई करना अगर बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना इंक्लूडिंग एन इनको ये ना करना हो तो इनके पास एक ऑप्शन है और वो ऑप्शन ये है कि फिफ्टी ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट ये क्या मान ले एलिजिबल और 50 परसेंट क्या माने इन एलिजिबल यानी इनकी जो टोटल आईटीसी है उसका 50 परसेंट एलिजिबल 50 परसेंट इन एलिजिबल ये सिंपल कैलकुलेशन करके बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग एनबीएफसी ये क्या कर सकते हैं अपना क्रेडिट अपोशनमेंट कर सकते हैं ठीक है और ये जो एलिजिबल क्रेडिट है दैट मस्ट एक्सक्लूड इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेस यूज फॉर नॉन बिजनेस परपस एज वेल एज द ब्लॉक्ड क्रेडिट ठीक है इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज यूज फॉर नॉन बिजनेस परपज एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट इन दोनों को एक्सक्लूड करके जो भी एलिजिबल आई टी सी बचती है उसका फिफ्टी परसेंट दे कैन कंसिडर्ड एलिजिबल एंड फिफ्टी परसेंट दे कैन कंसिडर्ड इन एलिजिबल ठीक है तो सिंपल है मान लीजिए बैंक के पास टोटल आईटीसी है वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड इसमें से नॉन बिजनेस परपज है ट्वेंटी थाउजेंड तो इसको हटा देंगे और टेन थाउजेंड है ब्लॉक्ड क्रेडिट इसको भी हटा देंगे बची क्या नाइनटी थाउजेंड ठीक है सेवनटीन फाइव मतलब यह ब्लॉक्ड क्रेडिट ये हो गई एलिजिबल और एलिजिबल का फिफ्टी परसेंट मतलब फोर्टी फाइव थाउजेंड क्या कर दोगे आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले जाओगे फोर्टी फाइव थाउजेंड आप मान लोगे आपकी इन एलिजिबल आई है फाइन तो ये है ऑप्शन बैंक के पास ऑप्शनल मेथड फॉर बैंक यू कैन रीड इट वंस एंड यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस सो लेट्स स्टार्ट विथ योर एक्सरसाइज विल ओनली सॉल्व सम क्रूशल एग्जाम्पल्स फॉर एक्सरसाइज which of the following situations taxpayer need to reverse the credit already taken? Fine, reverse the credit. So we have four options. If payment is not made within 45 days, not made within 90 days, not made within 180 days. Okay, so answer if payment is not made within 180 days from the date of invo invoice, then the taxpayer need to reverse the credit already taken. MCQ number 2. वॉट इज द टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आई टी सी ऑन इनवॉइसिंग टू अंशियल ईयर सो हमने पढ़ा था टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आई टी सी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और द डेट ऑफ फाइलिंग अर्लियर सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इफ द गुड्स आर रिसीव इन लॉर्ड्स और इंस्टॉलमेंट हमने पढ़ा था इंस्टॉलमेंट्स कि कि में गुड्स रिसीव हो तो आई टी सी कब लेनी है So, answer is ITC should be taken on the receipt of last installment and hence V is the correct answer. For banking companies using inputs and input services partly for taxable supplies and partly for exempt supplies, which of the statement is true? ITC shall be restricted to credit attributable to taxable supplies. फिफ्टी परसेंट ऑफ एलिजिबल आई टी सी ऑन ऑप्शन ए कौन सा है जो हमने पढ़ा था पोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट क्या आप एग्जाम सप्लाईज नॉन बिजनेस और ब्लॉक क्रेडिट को माइनस करने के बाद जो कॉमन क्रेडिट बचेगा है ना उसका आप क्या करोगे एग्जाम सप्लाईज कंट्रीब्यूट करोगे उसको इन एलिजिबल मानोगे फाइव परसेंट ऑफ नॉन फाइव परसेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट इज नॉन बिजनेस पर्पज उसको हटाओगे और उसके अलावा की जो क्रेडिट होगी उसको आप मानोगे एलिजिबल वो कौन सा ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है और बी ऑप्शन कौन सा है जो हमने अभी पढ़ा ऑप्शन अवेलेबल विद बैंक के फिफ्टी परसेंट एलिजिबल फिफ्टी परसेंट इन एलिजिबल ठीक है सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर बैंकिंग कंपनी कैन चूज इधर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सप्लायर टेक्स डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन जीएसटी कॉम्पोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स सो द सप्लायर कैन नॉट अवेल आई टी सी ऑन द सेट टैक्स कॉम्पोनेट हमने पढ़ा था कि यहाँ तो आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो या तो आप क्या करोगे अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट लोगे है ना दोनों में से एक ही चीज ले सकते थे तो यहां पर क्या किया है सप्लायर ने डेप्रिसिएशन लिया है ऑन टैक्स कॉम्पोनेंट मतलब असेट को कैपिटलाइज किया इंक्लूडिंग टैक्स फिक्स एसेट्स में ठीक है इनपुट टैक्स क्रेडिट को अलग से रिकॉर्ड नहीं किया है तो इस केस में वो आई नहीं ले सकता है सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर विच ऑफ दप्लाईज आर नॉट एलिजिबल फॉर आई टी सी इन केस ऑफ अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग शूज शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इनमें से कौन सा एलिजिबल आई टी सी नहीं है फूड एंड बेवरेजेस आउटडोर केटरिंग हेल्थ सर्विसेज और ऑल 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 अबव 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 द द द ऑफ ऑफ ऑब्वियसली क्योंकि ए बी और सी क्या है दे आर द आइटम्स ऑफ सेक्शन सेवेंटी फाइव दट इज ब्लॉक्ड क्रेडिट

कैन अ पर्सन टेक आई टी सी विदाउट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर सप्लाई टू क्वेश्चन टेन का जो आंसर है टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आई टी सी एन रीजन देर ऑफ ये हमने अभी ऊपर देखा वट इज द आई टी सी एन टाइटलमेंट ऑफ अजिस्टर्ड पर्सन यस ये रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में आएगा बिलोंग टू सेक्शन एटीन टैक्स नंबर फोर्टीन वन फोर फोर्टीन अ टैक्सबल पर्सन

प्लस लॉ का ऑब्लिगेशन भी नहीं है है ना और क्या बोला है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के यूज के लिए जो कि क्या है ब्लॉक्ड क्रेडिट बिजनेस पर्पज के लिए नहीं है एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है आंसर फ्रेंड्स तो आपका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है नो एस पर सेक्शन सेवनटीन फाइव ऑन मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन विथ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ अप टू थर्टीन पर्सन इंक्लूडिंग ड्राइवर कैन बी अवेल्ड ओनली इफ टेक्सेबल पर्सन इज इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स और इज प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ इंपॉर्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर वहीकल इज इन दिजनेस ऑफ सप्लाई मोटर वहीकल्स सो इस तरीके से आप एग्जाम में आंसर ड्राफ्ट करेंगे सेक्शन कोट करेंगे और रीजन लिखेंगे कि क्यों ये क्रेडिट इन एलिजिबल है क्यों ये क्रेडिट ब्लॉक्ड है और एलिजिबल कब होगी वो भी लिखेंगे जैसे इसमें तीन रीजन दिए है कि अगर आपका ड्राइविंग स्कूल होता है है ना या आप फर्दर सप्लाई कर रहे होते व्हीकल्स का या फिर आपका बिजनेस होता ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का है ना तो तो क्या होता है आपको ये क्रेडिट मिल जाती लेकिन इस केस में क्यों क्यों ले रहे हैं आप अपने कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए है ना विच इज नॉट अ बिजनेस पर्पस और इवन इफ इट इज फॉर बिजनेस पर्पज देन द क्रेडिट इज ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन सेवनटीन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे <coughs> टेक्निकल टेस्टिंग एजेंसी टेस्ट एंड सर्टिफाइज ईच बैच ऑफ मशीन टूल्स बिफोर डिस्पैच बाय बीएमटी लिमिटेड सम ऑफ दिसमेंट ऑफ जीएसटी आर नॉट टेक्सेबल फाइनेंस पर्सनल ऑफ बीएमटी लिमिटेडर देड टू कैरी आउट रिवर्सलग एजेंसी सर्विस टू द एक्सटेंट अट्रीब्यूटेबल टू एसड सप्लाई फ्रेंड्स हमको पता है कि जेड को सप्लाई करो ना तो हमको आईटीसी रिवर्स नहीं करनी पड़ती इवन दो हम टैक्स कलेक्ट ना करें ठीक है तो आंसर देखते हैं क्या लिखा है अंडर सेक्शन ऑफ एक्ट क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स इज अलाउड टू बी टेकन फॉर इनवर्ड सप्लाई यूज टू मेक जीरो अंडर सेक्शन सेवनटीन डिसअलाउड ओनली टू द एक्सटेंडेड पर्टेंस टू सप्लाईज यूज फॉर बिजनेस पर्पज और सप्लाईज अदर देन टैक्सेबल एंड रेटेड सप्लाईज सो सप्लाईज टू एसीजेड यूनिट रेटेड सप्लाईज दस फुल आई टी सी इज अलाउड ऑन इनवर्ड सप्लाईज बीएमटी लिमिटेड यूज फॉर इफेक्टिंग सप्लाईज टू दूनिट इन एसड इसमें क्या किया पढ़ा था कि एग्जेक्ट नॉन बिजनेस और नीलरेटेड सप्लाई हो तो उसका हमको क्रेडिट नहीं मिलता उनके इनपुट्स पर क्रेडिट नहीं मिलता है और वो क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ती है लेकिन इस केस में क्या है इस केस में हमने एस सी जेड को सप्लाई किया है ठीक है एस सी जेड में एक यूनिट है वहां पे सप्लाई किया है और एस सी जेड के केस में हमने पढ़ा है कि हमको जब भी हम एस सी जेड में सप्लाई करें तो उसको हम कहते हैं जीरो रेटेड सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई के केस में हमको क्रेडिट रिवर्स नहीं करनी पड़ती ऐसा क्यों था बिकॉज गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट ठीक है नंबर सिक्सटीन गारमेंट फैक्ट्री रिसीव्स अ गवर्नमेंट ऑर्डर फॉर मेकिंग यूनिफॉर्म्स फॉर अ कमांडो यूनिट ठीक है गवर्नमेंट ऑर्डर फॉर यस गवर्नमेंट फैक्ट्री को गवर्नमेंट से ऑर्डर आया फॉर मेकिंग यूनिफॉर्म फॉर कमांडो यूनिट दिस सप्लाई इज एक्जेम फ्रॉम टैक्स अंडर स्पेशल नोटिफिकेशन ये कैसा सप्लाई है एग्जेम सप्लाई फेब्रिक इज सेपरेटली प्रोक्योर्ड फॉर द सप्लाई बट थ्रेड एंड लिनिंग मटेरियल फॉर द कॉलर्स आर द वंस विच आर यूज फॉर अदर टैक्सेबल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्ट्री क्या बोला है फेब्रिक इज सेपरेटली प्रोक्योर्ड बट जो थ्रेड एंड लिनिंग मटेरियल है आर द वंस विच आर यूज फॉर अदर टैक्सेबल प्रोडक्ट्स ठीक है सो so, जो थ्रेड एंड लिनिंग मटेरियल ना फ्रेंड्स वो ऐसा प्रोडक्ट है जो ऊपर जो एग्जाम सप्लाई है ना उसमें भी यूज होगा जो कमांडो यूनिट कमांडो को यूनिफॉर्म सप्लाई करने उसमें भी यूज होगा प्लस फैक्ट्री के जो अदर टैक्सेबल प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें भी यूज होगा तो कहने का मतलब ये है कि जो थ्रेड एंड लिनिंग मटेरियल जो है वो क्या है कॉमन इनपुट्स ठीक है आगे द टर्न ओवर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स

सो so क्वेश्चन पढ़ के पता पड़ता है कि कॉमन क्रेडिट कितनी है फाइव थाउजेंड प्लस फिफ्टीन थाउजेंड विच ट्वेंटी थाउजेंड और उसको हम एग्जेम और टैक्सेबल टर्न ओवर के प्रपोर्शन में बांट देंगे ठीक है सो so क्वेश्चन क्या है कैलकुलेट द एलिजिबल ऑन थ्रेड एंड लिनिंग मटीरियल आंसर देखते हैं थ्रेड एंड लिनिंग मटेरियल आर द इनपुट्स विच आर यूज फॉर मेकिंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्ट सप्लाईज देयर फॉर क्रेडिट ऑन सच आइटम्स विल बी अ पोर्शन And the credit attributable to exempt supplies will be reversed. Credit attributable to exempt supplies is equal to common into exempt upon total turnover. So, common credit is 20,000, exempt turnover is 1 crore, total turnover is 5 crore. Hence, ineligible credit is 20,000 into 1 by 5, which is 4,000. And the 16,000 will be eligible credit, 4,000 will be ineligible credit. Fine. फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है दैट बिलोंग्स टू सेक्शन एटीन और सेक्शन एटीन हमारा पढ़ना बाकी है वो हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन के चैप्टर के बाद आई होप आपको इस चैप्टर में क्लैरिटी आ गई होगी एंड बी कॉन्फिडेंट इन सॉल्विंग वॉट एवर एग्जाम्पल्स यू टू चैप्टर नंबर सिक्स दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट यस फ्रेंड्स लेट्स रिवाइज द होल चैप्टर वंस So we started with the eligibility for taking ITC and conditions for taking ITC. Under eligi eligibility, we saw two criteria that we should be registered and goods and services should be used for business purpose only. Then we came when went on to conditions for taking ITC, wherein we saw four conditions. First was possession of text paying document. Second was second was goods or services should be received and the exception was built to ship to model. Third condition was returns should be filed, and fourth one was. Tax paid by you to the supplier should have been actually paid to the government by the supplier. And in case the tax has been not paid, then that ITC cannot be taken. However, government has given some relaxation that 20% of the eligible ITC can be taken to your electronic credit ledger. However, that ITC, eligible ITC plus 20%, should not exceed actual tax paid by you to the supplier hence the itc you can credit to your electronic credit ledger is eligible itc that is uh, invoices uploaded right itc in your invoices uploaded is your eligible itc plus 20% or the tax actually paid by you to the the tax actually paid by you to the supplier whichever is less is the itc that you can credit to electronic credit ledger then we saw the concept of goods received in lots or installments and we learned that credit can only be taken on receipt of last installment then we saw time limit for taking itc which was sorry which was due date of filing return for the month of september or the date of filing of annual return whichever is earlier if you do not pay to the supplier within 180 days then you have to pay Interest at the rate of 5% from the date of availment of credit to the date of repayment of tax. And once you pay to the supplier, then you can reclaim the credit. Yes. And there is no time limit to reclaim the credit. Fine. Then we learned depreciation. You have either you can take depreciation on tax component or you can claim ITC. Then we want went on to apportionment of credit, wherein the first step is to find common credit. Yes. Then, credit attributable to exempt supply will be your ineligible credit, and 5% of the common credit would be non business purpose. So, common credit minus credit attributable to exempt supplies minus non business purpose would be your eligible credit, which can be credited to electronic credit ledger. Yes. Then, optional method for banks either bank can follow section 17.2, that is the common credit procedure, or they can take 50% of the total credit as eligible input tax credit and rest and rest 50% will lapse. Yes, then we learned blocked credit and blocked credit. We understood that there are certain list of transaction on which credit cannot be availed so let's start with the first we understood that the credit on motor vehicles vessels and aircrafts and its related services is not available however there are certain exceptions to it which are transportation of goods further supply of such vehicles transportation of passengers or imparting training driving flying navigating and if any of these services are provided due to government obligation then such services then itc on such services can be availed then we went on to foods and beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, life insurance, health insurance, cosmetic and plastic surgery. On all these services, ITC cannot be availed. However, if we are in the same line of business, that is, inward supply of this is used for making outward supply of the same category, then ITC can be availed. And even the statutory obligation criteria also applies here. Membership of club, health, and fitness center is also not allowed. Travel benefits to employees on vacation, such as LTC or home travel concession, ITC not allowed. However, if obligatory, made obligatory by law, then we can take ITC. Then we learned about work, works contract that if we receive goods and services both together, then such kind of services received are known as works contract services. ITC and works contract services is available. However, works contract services for construction of immovable property ITC is blocked but if the construction is of plant and machinery immovable plant and machinery then we can avail then we can avail credit but if the plant and machinery is pipeline laid outside the factory or telecommunication towers then ITC cannot be availed however if construction of immovable property is other than plant and machinery then ITC is blocked if the total expenditure is capitalized however if the total expenditure is expensed off then itc can be availed fine then we learned the same concept in inward supplies other than works contract supplies that is inward supplies received by a taxable person for construction of an immovable property on his own account even when such supplies are used in the course or furtherance of business such credit is also blocked ye वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट से कैसे अलग है इसमें हम लोग मटेरियल खुद बाय करते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल और सर्विस दोनों क्या किया आउटसोर्स इसमें मटेरियल खुद बाय करते हैं केवल सर्विस पोर्शन क्या करते हैं हम आउटसोर्स यस फिर हमने पढ़ा गुड्स ऑन पर्सनल कंजप्शन गुड्स एंड सर्विसेज यूज फॉर पर्सनल कंजप्शन उसमें भी क्या है आईटीसी ब्लॉक्ड है

just keep practicing and reading more and more and if you're any if you have any doubts then you can reach me out yes so see you in the next lecture till then take care bye, -bye.